हेलो दोस्तों, सबको स्वागत है हमारे आज के नए ब्लॉग में। आज 8 नवंबर है और अभी 10:30 बजे है सुबह। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, आलू बॉयल, अंडा बॉयल और खीरा। हम लोग चाय बिस्किट ऑलरेडी बहुत पहले खा चुके हैं, अभी थोड़ा नारियल पानी पिला देते हैं सुबह को, फिर उसके बाद एक साथ दोनों ब्रेकफास्ट करके मुझे एक बार शायद थोड़ा बाहर जाना है। यहाँ पे मैगी सोया है, यहाँ पे आराम से सो के देख रहा है मुझे क्या कर रहा हूँ मैं। इन लोगों को थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट और मिल्क दे दिया हूँ और सब खा के चला गया है। सिर्फ मैगी यहाँ पे है और लूची बेड पे सोई हुई है। पानी निकल आया आज। यहाँ पे सुबह की दूध भी गर्म करने दे दिए हैं, अभी तुरंत जाएंगे। मैडम जी, मैडम जी, ये कौन सा दवाई है? ये गैस का दवाई है, पेट गैस में का दर्द हो रहा है उसका। उसे पिला के तुम पी लो ये नारियल पानी, फिर ब्रेकफास्ट में लाता हूँ, ठीक है? तुम ये पकड़ो, वहाँ पे तुम्हारा दूध बहरा के आया हो, फिर उबल जाएगा, अभी लेट हो जाएंगे तो। चलो ठीक है, फिलहाल सैष्णु अनु के पास है और हम दोनों अभी खाने को बैठ गए हैं। यहाँ पे चल रहा है क्या, आलू चोखा बनाना, अंडा भी है। आलू चोखा के साथ मूढ़ी खाएंगे। किसानों जाएंगे बाहर में एक दुकान में जहाँ पे बेबी बेबी का जो कपड़ा मिलता है ना, क्योंकि सोजनू का जो फुल स्लीव्स शर्ट है ना वो नहीं है, और अभी ठंडा पड़ गया है, यहाँ पे ठंडा गिर गया है, तो उसके लिए 2-3 कपड़ा चाहिए। ये लो देखोगे, ठीक है? आलू देखो तो थोड़ा खा, ठीक है, तुम खाओ ना। नून नून है कि नहीं? नमक ठीक है? नमक ठीक है ना, तो मूढ़ी से खाएंगे ना तो नमक थोड़ा कम होने से अच्छा होगा। और दो टुकड़ा। हाँ दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, और दे थोड़ा। और भी जी जा रहा है ठीक है, और थोड़ा थोड़ा। और थोड़ा कल जो बाबू का ब्लड रिपोर्ट मतलब करके गए थे, वो भाई को मैं व्हाट्सअप की थी कि रिपोर्ट हुआ है कि नहीं। भाई को पता चला कि जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल है, 15 था, अभी कम हो के 8.89 हुआ है, तो बहुत अच्छा हुआ है। बहुत डर रही थी मैं कि क्या होगा नहीं होगा, अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मतलब प्रॉब्लम होगा, बाबू का बहुत दिक्कत होगा, फिर से लाइट में रखना होगा, फिर इंजेक्शन डलेगा, बहुत मतलब बहुत मैं सोच रही थी कि क्या होगा मतलब अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो। ठीक है, भगवान के लिए मतलब भगवान को बहुत बोले कि बोली मैं कि कम हो जाए कम हो जाए, तो ठीक है। तो हम लोग बोल रहे थे रिपोर्ट के बारे में और भाई भी आ गया है रिपोर्ट देने। रिपोर्ट आ जाए, थायराइड वो थायराइड का भी वो रिपोर्ट है, वो पहले किया था, वो रिपोर्ट पहले पीडीएफ पे था। थायराइड थायराइड ठीक ही था। ड्यूटी को कौन था ले? छुट्टी। वो आज छुट्टी आज सब वो आज सब रिपोर्ट दीते बैठिए। जो কত হয়েছে গো এটা এখন 8.89 তো শুভ্রা কে রি একবার স্টুডিও পে জানে কে লিয়ে কিউকি স্টুডিও মে এক আলমিরা হ্যায় জো বিলকুল খালি পড়া হ্যায় অর জো অভি ফিলহাল কুছ ভি কাম পে নি আ রাহা হ্যায়। शुभ्रा कह रही है कि वो अलमीरा घर पे लाए, क्योंकि यहाँ पे जो सारे सामान पड़ा हुआ है मेकअप रिलेटेड जो भी सामान है, इसके अंदर भी बहुत कुछ है लेकिन सारा कुछ तो इसके अंदर जा नहीं सकता है, उतना जगह तो नहीं है इसके अंदर। तो वो अलमीरा अगर लाते हैं तो उसमें सारे चीज़ चला जाएगा और पूरा यहाँ पे खाली हो जाएगा, इतना इतना सब कुछ मतलब इधर उधर नहीं रहेगा। तो निकलते हैं, देखते हैं कहाँ तक काम कर पाते। शुभ्रा की स्टूडियो पे आ गए हैं, अभी यहाँ पे बाइक रख के जाएंगे वो कपड़े के दुकान पे, सैष्णु का जो शर्ट लेना है, देखते हैं मिलता है कि नहीं। फिर उसके बाद एक भैया को बोले हैं, भुटभुटी भुटभुटी है उसके पास, वो दे के आएगा। बात हो गया है, 1 बजे यहाँ से निकलेंगे। आगे मत ही किचू ना कि बोला था अन्न देखिए जिस अच्छा सीते গেঞ্জি কাপড় না, এমনি এমনি সুতির কাপড় হলে হবে।
না মোটা কাপড় না মোটা হ্যাঁ প্যান্ট আলাদা দিলেও হবে এটা বড় বড় হয়ে যাবে বুঝলে তো ব্যাপারটা এটা হচ্ছে হ্যাঁ অনেক বড় হয় ও ছোট ছোট সাইজ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি কিন্তু ও ছোট সাইজ তো ঠিক আছে ছাড়ো এটা ছাড়ো বাদ দাও ওটাই দাও আবি খোলেঙ্গে স্টুডিও বহুত দিন বাদ দেখতে হ্যায় অন্দর হাল ক্যা হ্যায় ঠুকতে হবে মনে হচ্ছে হ্যাঁ খুলেছে হ্যাঁ অনেক দিন বাদে ও বাবা झूले होते हैं ऐसे पांच मास से बेसी मकड़ी के जाल से पूरा भर गया है चलो इसको रखते हैं पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं अंदर का हाल सही है अंदर सही है सब कुछ धूल धूल जम गया है और इस तरफ भी थोड़ा मकड़ी का जाल है अभी भी फिलहाल हमें पता नहीं है कब से यहाँ पे हम लोग फिर से आएंगे तो फिलहाल बाहर का काम हो गया है अभी अंदर में थोड़ा बहुत साफ सफाई करना है ये सब जो है ना इसको थोड़ा ठीक करते हैं जो भी सामान अलमीरा पे है ड्रॉयर पे रख के फिर इसको एकदम खाली करके लेके जाएंगे यहाँ पे भी जगह है सोइजनू के साइज के हिसाब से वो जो शर्ट था वो बहुत बड़ा था तो इसलिए मैं नहीं खरीदा हूँ सिर्फ ये खरीदा हूँ ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ऑनलाइन में भी मैं ऐसा देखा था लेकिन उसमें प्राइस भी कम है लेकिन आने में तो समय भी लग जाएगा और ये देख के ले पा रहे हैं तो इसीलिए मैं सोचा चलो ले ही लेते हैं घर पे जाके देखते हैं ये सुभ्रा को पसंद आती कि नहीं घर पे आ गया हूँ और यहाँ पे वो जो अलमीरा भी आ गया है अभी इसे घर लेके जाना है ठीक है दादा धोता बताओ अभी इसको पकड़ के लेके जाते हैं घर पे अभी ऊपर जाके थोड़ा साफ करना होगा फिर खाना भी बनाना है और मुझे नहाना भी है वो अलमीरा उठा के उसके बाद जो देखा मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है एक सोचे समझे साजिश के दौरान मेरा जॉब मेरे से छीन लिया गया है यहाँ पे देखिए मेरा जॉब मेरे से कैसे छीना गया है ये एकदम सही बात नहीं है एकदम सही बात नहीं है चाहो तुम हो गया है अभी मुझे छोड़ दो हो गया। छोड़ दो मुझे और यहाँ पे चावल भी बना लिया गया है पूरी तरह से मैं एकदम बेकार हो गया हूँ बेकार अभी क्या करना है पहले मैं नहा लूँ पहले या अलमीरा वो साफ कर दूँ थोड़ा नहीं नहा लो नहीं उस नहाने से पहले थोड़ा बाबू का कांथा है ना दो तीन वो धोना है या धो चुके हो ऑलरेडी नहीं वो नहीं किए हो ना ठीक है थैंक यू मुझे थोड़ा सा जॉब देने के लिए नहीं तो वो भी मुझसे छीन जाता तो मेरा हाल खराब हो जाता देखो पहले खोल के हाँ वहाँ से खोलो मैंने देखा है खोल के मतलब वो खोल के दिखाया मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे देख के टोपी वोपी सब कुछ है देखो इसमें पूरा पैक हो जाएगा एकदम है ना थोड़ा सा भी ठंडा इसमें नहीं लगेगा दोस्तों अभी रात 11 बज चुका है और मैं ये लगा के रखा हूँ क्योंकि थोड़ा ठंडा लग गया है मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग गया है और नाक के अंदर थोड़ा जलन हो रहा है असल में मैं कल जो डांडकुनी गया था ना तो एक पतला जो टी शर्ट है वही पहन के गया था और बाइक में हवा लग गया था तो और फिर आज मुझे पता चला है कि थोड़ा ठंडा लग गया है इसलिए अभी तो ठंडे का कुछ भी नहीं सामान कुछ भी नहीं निकाला हूँ सुभ्रा ने कही कि दुपट्टा लगा लो दुपट्टा लगा के मैं बैठा हूँ और यहाँ पे सोइजनू सो रहा है शायद अभी खाने का टाइम हो गया है ना खाएगा ना खाने का टाइम हो गया खाए इसको पिला के दूध पिला के हम लोग सोएंगे हाँ बहुत ज़्यादा नींद लग रहा है बहुत ज़्यादा नींद लग रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं ठीक हो जाएंगे तो आज के लिए बस इतना ही आशा करता हूँ आज का ब्लॉग आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर कुछ बताइएगा क्योंकि आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं करते हो
शायद हमारा ब्लॉग आप सबको अच्छा नहीं लगता है, मुझे हमें पता है, लेकिन फिर भी अगर बुरा भी लगता है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग, ताकि हमें ये भी पता चले कि ये बात सही नहीं कर रहे हम, या ये बात इसमें हमें सुधार करना है, वो भी हम समझ सकें। तो कृपया करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।